सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं अमेज़ स्पीड GTR 2, जो मैंने परचेस किया था 6 मंथ बिफोर फ्रॉम फ्लिपकार्ट सेल एट प्राइस ऑफ 7,000, जो सेल प्राइस था। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसके प्रोज और कॉन्स में, क्योंकि इस वॉच को मैं डेली पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ और मुझे इसके बारे में कुछ पता चला है, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये प्राइस वर्थी है टू बाय दिस ऑन फ्लिपकार्ट सेल और अमेजोन सेल। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखना, आपको इसके बारे में पूरा जानकारी दूंगा। तो गाइज, इस वॉच का अपीयरेंस आपको पता चल ही गया होगा, लुक के लिए तो बहुत ही बढ़िया वॉच है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, मतलब जो इसका बिल्ड क्वालिटी है और इसका वेट है बहुत ही मतलब अच्छा है, लगता है एक्सपेंसिव। बट मुझे दिक्कत आई इसके स्ट्रैप से, जो स्ट्रैप है वो इतना ब्रीदेबल नहीं है। मतलब जैसे हम विंटर के टाइम में मुझे दिक्कत नहीं आया था इतना ज़्यादा, जैसे कि मैं जिम कर रहा था या पूरा दिन पहन रहा था। बट जैसे समर टाइम स्टार्ट हुआ है, मुझे जो मैं वॉक करता हूँ और मुझे स्वेटिंग होता है हाथों पे, तो हाथ में जो स्वेटिंग होता है उसकी वजह से इरिटेटिंग लगता है और वो ड्राई होता नहीं है जल्दी। तो इस बेल्ट का दिक्कत है, मुझे इस बेल्ट के लिए इशू लग रहा है कुछ, इसका क्वालिटी थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो ये इतना ब्रीदेबल नहीं है इसका जो बेल्ट है। इसको स्ट्रक्चर दिया है आप देख सकते हैं डाउन साइड में, तो ये थोड़ा एयर पास होने के लिए है बट होता नहीं है। एक्चुअल में स्वेटिंग वैसे के वैसे रह जाता है और थोड़ा सा इशू हो रहा है हाथों को, इरिटेटिंग लगता है, इचिंग जैसा हो जाता है। तो अभी हम बात करते हैं वॉच फेसेस की। तो इसमें जो वॉच फेसेस है जो रेडी करके दिए हैं उन्होंने ऐप में, जैप ऐप करके इसको यूज़ करना पड़ता है अपडेट करने के लिए वॉच फेसेस को। तो एक्चुअली इतने अच्छे क्रिएटिव नहीं लग रहे हैं, एक दो ही है जिसे मैं हमेशा के लिए रखता हूँ उसको डिफॉल्ट, तो ये है ब्लू ग्रीन वाला, सॉरी। तो ये इतना इफेक्टिव नहीं लगता। बहुत सारे ऐसे वॉचेस है, फायरबोल्ट का हो गया, तो उनमें जो डिज़ाइनिंग है एंड थीम्स रहेंगे तो बहुत ही एक्सट्रीम दिखता है, मतलब अच्छा लगता है देखने को, थोड़ा प्रीमियम लगता है। बट इसके जो है ये थोड़ा लो क्वालिटी लगता है। जैसे अभी ये यूज़ करूँगा मैं तो इतना खास नहीं दिखता है, जैसे वीडियो में तो दिख रहा होगा बट एक्चुअल में इतना इफेक्टिव नहीं दिखता है, मुझे तो नहीं लगा। तो मुझे एक ही वॉच फेस पता है, यही है जो मैं हमेशा के लिए डिफॉल्ट रखता हूँ। देन बात करते हैं इसकी म्यूज़िक ऐप की, जो म्यूज़िक जो आउटपुट है वो सही है, सब कुछ सही है। जैसे मैं अभी गाना प्ले करता हूँ तो आपने सुना ही होगा, जो वॉइस क्वालिटी है सब कुछ सही है, बट जब हाथ में पहनते हैं तो इसका जो आवाज़ है वो दब जाता है और वैसे मतलब यूज़फुल नहीं लग रहा है, जैसे कि इतना कुछ ठीक नहीं है। मतलब क्या कर सकते हैं हम म्यूज़िक के साथ, हाथों में म्यूज़िक तो थोड़ी सुन सकते हैं। ऑलमोस्ट अब सब लोगों के पास जो ऑडियो रहता है, ऑडियो डिवाइसेस रहते हैं, जैसे कि एयरबड्स हो गए, हेडफोन्स हो गए, तो ये म्यूज़िक तो ठीक है, मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ कर सकते हैं, बट साउंड देना इतना कुछ इफेक्टिव नहीं लगा मुझे। जो साउंड दिया है अरे बॉटम में जो साउंड दिया है उसका इतना कुछ मुझे यूज़फुल नहीं लगा। नाउ अभी बात करते हैं एलेक्सा ऐप की, जो एलेक्सा ऐप है इसमें इनबिल्ट दिया है, तो उसके लिए एक्चुअली ये कैसे वर्क करता है मुझे भी नहीं पता है। इधर लिख के आ रहा है कि प्लीज़ मेक श्योर योर वॉच इज़ कनेक्टेड टू ऐप एंड द ऐप इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट। बट इंटरनेट ठीक है, ऐप जैप ऐप हमेशा के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते ना, एलेक्सा को कैसे यूज़ करेंगे अभी कंटिन्यूसली इंटरनेट से, हम कहीं बाहर रहेंगे तो कैसे करेंगे। मोबाइल से हॉटस्पॉट लो और देन उसको कनेक्ट करो ऐप को इंटरनेट से, देन इससे लिंक करो, तो ये बहुत ही दिक्कत वाला काम है, मुझे कुछ यूज़फुल नहीं लगा एलेक्सा का भी फीचर। देन जो फीचर्स है, अलार्म है, वो सब कुछ है, वो एकदम एक्यूरेटली है, मुझे कभी ऐसा दिक्कत नहीं हुआ कि मैंने अलार्म लगाया और बजा ही नहीं, मॉर्निंग में रिंग नहीं हुआ तो वाइब्रेट नहीं हुआ, तो ऐसा सब ये चीज़ें मुझे मैंडेटरी लगती है और यूज़फुल भी है। जैसे अलार्म हो गया और स्टेप्स हो गया, मेजरिंग जो करते हैं कुछ भी स्टेप्स का, हार्ट रेट जो है वो अच्छे से मेजर करता है, उसका क्वालिटी भी अच्छा है, एक्यूरेसी भी अच्छा है। इसमें GPS वगैरह भी है बट मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है, GPS को कैसे फॉलो करना है एक्चुअली पता नहीं है। वो एक्चुअली GPS मतलब जस्ट हमें एक डायरेक्शन देगा, राइट लेफ्ट और कुछ ऐसा, मैप तो कुछ दिखेगा नहीं, मैंने यूज़ नहीं किया है अभी तक। मुझे बहुत लोगों ने कमेंट भी किए थे कि इसको GPS कैसे यूज़ करना है, कैसे लिंक करना है। एक्चुअली मैंने जेप ऐप में भी जाके देखा बट मुझे कुछ ऐसे GPS रिलेटेड कुछ डेटा मिला नहीं है उसमें भी। अभी बात करते हैं IP रेटिंग की, तो वाटर में मतलब बहुत सारा मैं बारिश के टाइम भी यूज़ किया और मतलब बहुत टाइम हैंड वॉश करते टाइम उसमें पानी चला जाता है, बट अभी तक कुछ ऐसा इशू आया नहीं है। तो ये क्वालिटी के बारे में, बिल्ड क्वालिटी के बारे में मैं उसको हैंड्स ऑफ करता हूँ कि बिल्ड क्वालिटी अच्छा है,
वाटर प्रूफ मतलब जो है आईपी रेटेड है उसका जो रेटिंग से उसको फॉलो करता है तो अच्छी बात है। अभी जो मेन बात है जो है बैटरी, एक्चुअली स्टार्टिंग में मुझे बैटरी रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा था, बट जैसे मैं कभी कभी इसको यूज़ नहीं करता हूँ, जस्ट स्टैंड बाय रख देता हूँ, तो बैटरी अपने आप ड्रेन हो जाती है। ऑलमोस्ट पहले तो मुझे 8 or 10 दिन का बैकअप मिलता था, बट अभी मुझे 4 or 5 दिन से हार्डली मिल जाता है, तो ये थोड़ा दिक्कत वाला काम हो गया है। बैटरी का जो रिस्पॉन्स है इतना खास नहीं है, तो बैटरी अभी देख सकते हैं आप 12% है। अगर मैं इसको पावर सेविंग मोड पे डाल दूँ, जैसे यहाँ से पावर सेविंग मोड पे डाल दूँ, तो वो चल जाता है 10% भी, मतलब पूरा दिन निकल लेगा। बट विदाउट पावर सेविंग मोड 10% इज ओनली फॉर 1 आवर और आधा घंटा चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये दिक्कत का काम है थोड़ा सा। तो ये बैटरी का कुछ पता नहीं कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, स्टार्टिंग में तो अच्छा दे रहा था मुझे बैटरी बैकअप, बट अभी नहीं दे रहा है इतना अच्छा। गुड थिंग ये है कि इसको जो मैग्नेटिक चार्जिंग का जो दिया है पोर्ट, वो सही है, मुझे तो अच्छा लगा। जैसे कि अभी फोकस करके दिखाता हूँ आपको, ये 2 पॉइंट पे आपको जस्ट बॉटम साइड है जो वॉच का उसको कनेक्ट कर देना है, और हमें इसको एडाप्टर में लगा देना है। हमारा नॉर्मल सा चार्जर इसमें कनेक्ट हो जाता है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये वॉच का बैक साइड है, मैं जस्ट इस पे रख दूंगा। आपको पोल्स जो रहेंगे वो नॉर्थ साउथ, वो अच्छे से मतलब क्लिक करने, अदरवाइज आप जैसे अदर साइड से लगाओगे तो देख सकते हैं आप, ले लेगा नहीं, ये डिजेक्ट कर देगा, क्योंकि पोल्स का डिफरेंस हो गया है, हमें ऑपोजिट पोल्स में लगाना है ये, जैसे नॉर्थ साउथ हो गया। तो ये मैग्नेटिक चार्जिंग का मुझे अच्छा लगा फैसिलिटी जो अमेज़फिट GTR 2 में दिया गया है। अदरवाइज पोर्ट रहेगा तो हम बार बार कनेक्ट डिसकनेक्ट करेंगे तो बाद में ख़राब ही हो जाता है, बट इस मैग्नेटिक चार्जिंग का बहुत अच्छा है मुझे लगा। जैसे ये पॉइंट अभी तक तो ठीक है, बाद में कुछ इशू आ सकता है तो देखते हैं, बट मुझे अभी तक इशू नहीं आया है, हम इसको आसानी से इसे कनेक्ट कर सकते हैं, जस्ट हो जाएगा। देन अगेन बात करते हैं चार्जिंग टाइम की, तो चार्जिंग टाइम हार्डली ये 2-1.5 आवर तो ऑलमोस्ट लेता ही है चार्जिंग के लिए। मैंने इसका रिस्पॉन्स देखा तो 1.5 आवर उसको चार्जिंग के लिए लेता है ये वॉच अमेज़फिट GTR 2, तो इतना टाइम ठीक है, मतलब अच्छा है, एक बार चार्ज किया तो 5 to 6 डेज चल जाता है, बट ये इश्यूज थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। सो गाइज, मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर किया है, मेरा जो पर्सनल रिव्यू है अमेज़फिट GTR 2 के, मैंने पहले वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने इसको काफ़ी कम समय के लिए यूज़ किया था, बट अभी मैंने इसको पूरा 6 to 7 months के लिए यूज़ किया है, और बहुत लोगों के कमेंट्स आए थे कि फायर बोल्ट ले लूँ या कौन सा ले लूँ, तो मैंने फायर बोल्ट यूज़ नहीं किया है। अगर आपको इससे बेटर लग रहा है, मैंने ये जस्ट एप्पल से कनेक्ट हो रहा था इजीली तो मैंने ये लिया था, एक्चुअली मुझे सैमसंग वॉच 4 लेना था, बट मैं बोलूँगा कि हम ऐसा ज़्यादा कनेक्ट करके कुछ ऐसा करते तो नहीं है, वॉच को हाथ में पहनते हैं, स्टेप्स वगैरह जो नॉर्मल चीज़ें हैं वही करते हैं, टाइम देखना, अलार्म लगाना, तो मतलब आपके पास एप्पल भी रहेगा तो आप इसको ही ले, ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है। आप दूसरे वॉच के साथ भी जा सकते हैं जो कंपेटिबल नहीं भी हो एप्पल फ़ोन के साथ, तो मेरा यही सजेशन है कि आप देख लेना, इतना खर्चा करने से अच्छा आप कोई अच्छा दूसरा सा वॉच ले सकते हैं। मैंने एप्पल कॉम्पेटिबिलिटी के लिए ही बस इसको परचेस किया था, सैमसंग वॉच 4 लेने का सोच रहा था, उसमें उसका बिल्ड क्वालिटी भी और उसका रिस्पॉन्स सब कुछ बहुत ही रिव्यू अच्छे रिव्यूज़ है सैमसंग वॉच 4 के, बट मुझे एप्पल के लिए लेना था तो मैंने ये ले लिया था। ये जो इश्यूज मैंने आपके साथ शेयर किए वही था, बाकी कुछ इसमें खराबी नहीं है, वॉच तो अच्छा ही है, प्रीमियम भी लगता है, देख सकते हैं आप मेरे हाथ में है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन माई वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।